वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि वसई विरार में एक और मिला है कोरोना पेशेंट, यानी कि अब तक 7 हो चुके हैं, 6 हुए थे कल, आज 7वां। कल एक विरार में मिला था, आज नालासोपारा वेस्ट में मिला है, यानी अब वसई में भी मिल चुके हैं, नालासोपारा में भी मिल चुका है और विरार में भी। ये तीनों शहर महापालिका के तीनों शहर वसई, विरार, नालासोपारा, अब नालासोपारा वेस्ट में नीले गांव में मिला है यह पेशेंट। इस व्यक्ति के जो जांच हुई थी, इस व्यक्ति की, वह पॉजिटिव पाई गई है। जसलोक हॉस्पिटल में काम करने वाला ये स्टाफ का व्यक्ति है, यानी पेशे से आप वार्ड बॉय कह सकते हैं, पेशे से डॉक्टर है, चिकित्सक है, और इस व्यक्ति की जांच रिपोर्ट संक्रमित पाई गई, कोरोना संक्रमण ग्रस्त पाया गया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति कोरोना, उसी हॉस्पिटल में कोरोना मरीज जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, यानी जो वहां पर इलाज के लिए व्यक्ति हैं, उन्हीं के संपर्क में आने से इस व्यक्ति को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसी जानकारी, ताजा जानकारी के लिए हमने स्थानीय नगर सेवक किशोर पाटिल से बात की, सुनिए उन्होंने हमें क्या जानकारी दी। हेलो, हाँ किशोर जी नमस्कार। आप स्थानीय नीले गांव के नगर सेवक हैं, वो वार्ड आपके अंतर्गत आता है। मेरा सवाल यह है आपसे कि अभी 7वां पेशेंट वसई विरार में पाया गया, जो सोपारा वेस्ट में बताया जा रहा है, ऐसी क्या जानकारी है आपके पास? सर जी, वो पेशेंट हमारे यहाँ पे जो रहते थे वो जसलोक हॉस्पिटल में एक स्टाफ थे, और जो जिस फ्लोर पे वो काम करते थे वहां पे शायद कोई पेशेंट वो पॉजिटिव पाया गया था। तो उस फ्लोर के जितने भी स्टाफ है उनको उस हॉस्पिटल ने तुरंत उनके टेस्ट करके उनको बुलाया था, तो जिसमें कल इनका रिजल्ट आया। कल परसों रात को ये घर पे आए थे और कल सुबह इनको हॉस्पिटल से बुलाया गया तुरंत, उनके और उनके वाइफ को, जो दोनों साथ में रहते थे, तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है और वाइफ का रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, वो दो दिन में अपने को उनकी भी जानकारी आ जाएगी। नीले गांव में जैसे ही उनका आपने उनका लोगों से मिलना जुलना क्या ज्यादा रहा, या कल के बाद जब वो घर पहुंचे उसके बाद? नहीं नहीं, उनका मिलना जुलना तो नहीं था ज्यादा करके, जिससे वो सुबह जल्दी निकल जाते थे, बस उनको हॉस्पिटल की अपने ईस्ट से लेके जाती थी उनकी जो प्राइवेट बस थी, तो जो साथ में उनके जो थे वो भी, उनको भी आज आइसोलेशन में रखा है, उनका भी टेस्ट टेस्ट के लिए भेजा हुआ है। उनका बच्चा जो दूसरे इधर रहता था, दूसरे बिल्डिंग में, उसका बच्चा और उसकी ये डॉटर इन लॉ जो बच्चे की बीवी है, वो तीनों को, और जो कंपनी में साथ में था, वो तीनों को आइसोलेशन में रखा हुआ है, उनके स्वैब टेस्ट के लिए आज भेजे भी गए। तो अभी अभी कोई ऐसी और घटनाओं की जानकारी या ऐसा कुछ है नहीं? फिलहाल तो शांत है वहाँ का माहौल, नीले गांव का? यस यस, पूरा शांत है। हम लोग ने यहाँ पे जो भी पूरी टीम थी अपने यहाँ से सैनिटाइजेशन पूरा वो एरिया, उनका बिल्डिंग और आजू बाजू के बिल्डिंग में रेडियस में जितने भी बिल्डिंग है वहाँ पे अपने कर्मचारी जाके हर एक रूम टू रूम जाके नर्सेस और डॉक्टर्स के जो टीम है उन्होंने इंक्वायरी की है, किसी को कुछ ऐसे सिम्टम्स या कुछ ऐसा लग रहा है, तो पूरे बिल्डिंग में जाके वो हर एक फ्लैट में जाके चेक कर रहे थे।